So media has already started. They asked me the first question, कैसा लग रहा है पुणे में? मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे लगता है पुणे में. मैम, with your permission, मेरी जो जर्नी है जिस तरह से स्टार्ट हुई है उसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ है. बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन पुणे क्लब मेरे दिल के बड़े करीब है. उसका रीज़न है अंडर 15 का जो एशिया कप हुआ था मलेशिया में, वहाँ का जो सिलेक्शन था वो इस पुणे क्लब में ही था. मैं पहली बार आया था, मुझे याद है. वो जर्नी बड़ी स्पेशल थी. उसका रीज़न है मैं 16 खेल चुका था, मैं अंडर 14 खेल चुका था. सिलेक्टर्स जो जूनियर सिलेक्टर्स थे उनकी निगाहें मेरे पे थी. बहुत अलग चीज़ हुई थी उस साल. मैंने बल्लेबाजी में रन बनाए थे, विकेट इतनी ज़्यादा मिली नहीं थी. सो मुझे वो जो प्रोबेबल लिस्ट थी अंडर 15 की, उसमें एज ए बैट्समैन सेलेक्ट किया गया था. सो मुझे याद है मैं पुणे क्लब आया, मैंने सिलेक्टर से बात की और उन्हें बताया कि यस मैं एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं बॉलर हूँ जो बैटिंग करता है. तो बोले अच्छा, वो एक सिलेक्टर का नाम नहीं लूँगा मैं. उन्होंने मुझे बाहर बेंच पर बिठा दिया. मैं करीबन नाराज़ हो गए, पता नहीं क्यों नाराज़ हुए. लेकिन जब इंडिया खेला तो उनकी नाराज़गी दूर हो गई थी. खैर एनीवेज, मैं बेंच पर बैठा था 3 से 4 घंटा और मुझे लगा कि शायद ही मेरा आखिरी दिन था. इसके बाद शायद क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, क्योंकि सिलेक्टर जो है वो नेशनल जूनियर सिलेक्टर, वो नाराज़ हो गए क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसी गलत बात की नहीं. खैर एनीवेज, तो वहाँ से फिर जब मैंने बैटिंग की, रॉजर बिनी थे वहाँ पे तब हमारे कोच, उन्होंने जब मेरी बॉलिंग देखी फिर मुझे लगातार हर दिन बॉलिंग कराई और मैं अंडर 15 इंडिया को सिलेक्ट हुआ और सिलेक्शन यहीं पर पुणे क्लब में ही था. सो मेरी जो एक्चुअल जर्नी जो इंडिया खेलने की थी, जिसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ था. और जब मैं पुणे आया हूँ, हमेशा मुझे पुणे में यहाँ पे खेलने में बड़ा मज़ा है. हमारे काफ़ी दोस्त भी यहाँ पे हैं और खैर ये खूबसूरत सिटी है, बहुत प्यारी जगह है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही में बहुत ज़बरदस्त मिक्स है यहाँ पे बिज़नेस और फैमिली का. सो उस लिहाज से यहाँ पे आने में जब भी मैं आता हूँ मुझे कैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. इरफान, जनवरी में ऑलमोस्ट 17 साल. हाँ जी, दो ऐसे पल थे उसके बाद जब मेरी जिंदगी की सबसे हाई पॉइंट थे. एक 2012 में जो बहुत ज़्यादा लोग बात करते नहीं, क्योंकि हैट्रिक इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सबके बस की बात होती नहीं है. और स्पेशली टेस्ट हैट्रिक में, T20 में आपको हैट्रिक मिलती है, तो वो जो हाई पॉइंट है अगर किसी का आता है, आप अगर उससे कंपेयर करेंगे बाकी दिन, तो फिर बाद में वो कंपैरिजन सही नहीं होगा. क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े महान क्रिकेटर को भी पूछेंगे कि अगर उसने हैट्रिक ली है और उसके बाद वैसी हैट्रिक ली नहीं है, भाई एक ही बार होती है और वो भी पहली बार हैट्रिक पहली ओवर में और वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो तो आप दोबारा एक्सपेक्ट कर भी मत लीजिए. मेरी बात छोड़िए, किसी और ने भी नहीं किया है. तो वो 2006 वाला कारनामा. लेकिन जो हाई पॉइंट थे मेरे, वो 2007 में फाइनल में आए, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ आए थे जब फाइनल में मैंने तो मैच मिला था. और 2012 में वो जो पूरा साल रहा था मेरा, आई थिंक जहाँ पे वहाँ पे मैं बॉलिंग कर रहा था, मैं बाकायदा बॉल से बात करता था और बॉल उस तरह से हरकत करता था जिस तरह से मैं चाहता था. पर 2012 के अनफॉर्चुनेटली मुझे इंजरी हुई और उसके बाद मैं टीम से बाहर हुआ. एक जो पल रहता है, जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहता है, अगर उसी लिहाज से करियर चले तो इमेजिन करिए सब क्रिकेटर्स के करियर कहाँ जाएंगे. इरफान, आपने खुद भी कहा कि आप एक बॉलर एज एन बॉलर टीम में आए और बॉलिंग ही आपका ये था. बाद में आप थोड़ा बैटिंग की तरफ मुड़ गए, उसका क्या? मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अंडर 16 में मैंने रन बनाए थे और मैं एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुआ था अंडर 15 एशिया कप के लिए. सो बैटिंग पहले से ही करता था. ये तो बाद में जब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है पर्सनली कि वो जो अपॉर्चुनिटी है नंबर 3 पे या ऊपर बल्लेबाजी करने की, वो बहुत लिमिटेड मिली. क्योंकि वहाँ पे मेरा वनडे में 32 का एवरेज है और कई प्योर बैटर्स का वनडे में 32 का एवरेज रहता है. मैं ऑलराउंडर था नंबर 3 पे बैटिंग करके. तो उस लिहाज से अगर और ज़्यादा बैटिंग मिलती तो और ज़्यादा बेहतर होता.
लेकिन उस लिहाज उस वजह से बॉलिंग में इशू होना ये सब माहौल बनाने वाली बात है। वो जो कई लोग जो चीज़ें करते थे उसको छुपाने वाली बात है, पर्दा डालने वाली बात है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ, बिकॉज आप जब दो चीज़ें करते हो तो आपको टीम को फ़ायदा होता है और हर कोई चाहेगा कि आपका जो बॉलर है वो बैटिंग करे। आज हम ढूंढ रहे हैं आठवें नंबर का बैट्समैन, आपको मिल नहीं रहा है। आप ढूंढ रहे हैं एक ऑलराउंड के बजाय दूसरा ऑलराउंडर, आपको मिल नहीं रहा है। सो जब जो होता है उसका वैल्यू करिए और उसको अप्रिशिएट करिए। जनरली वैसा होना चाहिए, बिकॉज ऐसा अनफॉर्चुनेटली जब आप चले जाते हैं तो आपकी वैल्यू पता चलती है। लेकिन आई एम ग्रेटफुल वेयर आई वॉज वेयर आई एम एंड द लव एंड रिस्पेक्ट आई गेट, इट इज़ मच बिगर देन यू नो इफ आई कुड हैव टेकन मोर विकेट्स, आई कुड हैव टेकन 600 विकेट विच आई वाज केपेबल ऑफ, आई डिड फॉर वॉट एवर रीजन, एंड नो कंप्लेंट्स नो रिग्रेट, आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। सबसे पहले तो एलपोरो स्कूल में आया हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट और जो बच्चों की आंखों में नज़र आ रही थी, वो दिल देख के दिल बड़ा खुश हुआ। मैम बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में यहाँ पे आके, और स्पेशली जिस तरह से आपने बताया ये पूरे करिकुलम के बारे में, पूरे स्पोर्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। जेन्युइनली आई फील वेरी हैप्पी एंड यू नो काइंड ऑफ प्रिविलेज एज वेल टू कम हियर एज अ चीफ गेस्ट, सो थैंक यू सो मच। स्कूल में हम पहले 1 से 7 तक बड़ौदा में ऑयल पंडी हाई स्कूल में पढ़े, जिसे दक्षिणा स्कूल भी कहा जाता था। 8वें स्टैंडर्ड में हम गए HV श्रॉफ हाई स्कूल बड़ौदा में, मैं और मेरे भाई। अब वहाँ से हमें मूव होना पड़ा MES हाई स्कूल में, क्योंकि HV श्रॉफ स्कूल जो थी, जो ऑयल पंड्या स्कूल का ही पार्ट था, वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं था इतना ज़्यादा और हम स्पोर्ट्स खेलने लगे थे, तो हमें स्कूल चेंज करना था। अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, फीस की जो कंस्ट्रेंट थी हमारी उस लिहाज से। लकीली MES स्कूल ने हमें बहुत कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पे हमें पढ़ाई भी करवाई और हमारे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दी। हम 9th स्टैंडर्ड से वहाँ पे गए, MES स्कूल को रिप्रेजेंट किया हमने। स्कूल इंटरनेशनल शांता देवी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था बड़ौदा में, स्कूल टूर्नामेंट, शांता देवी स्कूल टूर्नामेंट जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन करता था। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एक परिवार स्कूल करके स्कूल थी जिसके सामने हमारा एक दिन मैच था पोलो ग्राउंड में, वहाँ पे हम गए, मैं और मेरे भाई ने पार्टनरशिप की और हमारी टीम ने 50 ओवर में 450 रन बनाए, बहुत मारा। वो कंपैरेटिवली छोटे बच्चे थे और इनएक्सपीरियंस थे, हम भी खैर वो टाइम में हम भी 14-15 साल के ही थे, लेकिन हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे 4 साल से क्रिकेट की। मैंने 150 बनाए, भाई ने लगभग 200 रन बना दिए थे वो मैच में, और वो कई सालों तक रिकॉर्ड रहा था। खैर हम मुंबई में नहीं थे इसलिए वो रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा बात हुई नहीं, अगर मुंबई में होते तो शायद वो रिकॉर्ड की बात ज़्यादा होती, क्योंकि हम छोटे शहर से आते तो बहुत कम उसके बारे में बात हुई। लेकिन उस मैच से पूरे बड़ौदा क्रिकेट में हलचल हो चुकी थी, मैसेज पहुंच चुका था कि दो भाई और क्रिकेट खेलते और अच्छा क्रिकेट खेलते, और फिर हम बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में गए और वहाँ से हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि स्कूल का कितना इंपॉर्टेंस रहता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सपोर्ट करना, और यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ और जिस तरह से मैंने वो दो बॉलर को खेले उसमें से समझ में आता है कि यहाँ पे स्कूल जो है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रोत्साहन दे रही है। सो विच इज़ ग्रेट एंड वेल डन ऑन यू। What kind of a facility are you providing there? It's come out as a See, when we're talking about sports management, ours is the only school offering sports management as a subject. You know, somebody who wants to pursue some kind of a career in sports and may not be a good player also has possibilities. So sports management is a subject that we offer in plus two. Nice. Along with that, of course, you have PE, you have regular sports happening in the school, you know, children are participating at different levels, supportive infra. So we want that a lot of students should dream of achieving, you know, something measurable in sports, and that's why Irfan is here today, that's why we are Sports Fest, and that's why so much of importance is given to sports along with academics. You know, academics are also important, but that's the entire aim. Sports management is a subject that you
sports management is a compulsory subject or is it optional? No, at plus two level they opt for sports management if they want to. So, I mean, that's something very, very unique because I don't know of other schools who are doing it, you know, like, so you can explore so much. Irfan ji, ek achha cricket player hone ke liye kya khasiyat honi chahiye? Sabse pehle, to aapke paas full fitness honi chahiye. Fitness se start hota hai sara sab kuch. Aur phir uske baad jo sabse important cheez hoti hai aapki kabiliyat. Kyunki har koi cheez nahi kar pata. तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो वो स्टार्ट है और अगर फिटनेस आपकी नहीं भी है लेकिन आप में काबिल है तो आप फिटनेस बेटर कर सकते हो और खेल सकते हो. ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. उसके बाद आपकी जो जुनून है आपका वो गेम खेलने का हार को कबूल करने का वो काम आता है. क्योंकि आप अगर आप किसी की भी 100 मैच ले लें उसमें उसने कम से कम 50 से 60 मैच हारे होते कम से कम. 100 मैच अगर कोई खेलता है वनडे मैच तो उसके हार्डली 8 या 10 सेंचुरी होगी तो बहुत अच्छा करियर होगा अगर 100 मैच में वनडेज में. लेकिन ऐसा होता नहीं है. सो आप इमेजिन करिए वो सेंचुरी हाफ सेंचुरीज होगी 20-25 में भी है ना वेरी गुड सिनारियो. सो वो 30 मैचेस के अलावा जिसमें उसने 50 या 100 बनाए बाकी 70 मैच में वो फेल हुआ होता. सो व्हेन यू आर फेलिंग मोर देन गेटिंग सक्सेस सो आप में वो जो ना सुनने की आदत हार सहने की आदत आप में वो होनी चाहिए तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये दो चीज़ें और फिर उसके बाद फेलियर को आप कैसे लेते हैं. आप दोनों को पहचाना मैंने. कैसे हैं आप दोनों? सर जी सब खरीद. नमस्ते नमस्ते. सर इंडिया में क्रिकेट का बहुत बड़ा मामला है. हर किसी को क्रिकेटर होना है. ऐसे लोग हैं कि 40-40 साल तक खेलते हैं और हर किसी को चांस मिलना उतना आसान नहीं. तो खेलते खेलते किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? आप क्या बच्चों को इस देखिए ये मैं अकेडमीज़ भी चलाता हूँ. मेरी अकेडमी चलती है तो वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं और मैं हमेशा स्पेशली जब मैं ओपनिंग में जाता हूँ वहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ पेरेंट्स को खास करके. क्योंकि जो पेरेंट्स है उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे के लिए जाहिर से मेरे भी दो बच्चे हैं तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो इंडिया खेले. हर एक की रहती है जिसमें कोई हर्ज नहीं है होना भी चाहिए. लेकिन वो हर कोई खेल नहीं पाता. तो मैं पेरेंट्स को यही मेरी तरफ से सलाह तो क्या दूंगा पेरेंट्स को लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा वो इंडिया खेलने का या आईपीएल खेलने का प्रेशर मत डालिए. बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स खेलते रहे. सिर्फ स्पोर्ट्स खेलेंगे सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे नहीं. लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स भी किया और साथ में पढ़ाई भी किया क्योंकि आप जब बच्चे होते हो आपको करना क्या है? आपको दो ही चीज़ें करनी. आपका दिन ख़त्म हो जाता है आपके पास. उसके अलावा आप ना तो आपको काम करने का प्रेशर है ना तो आपको घर चलाने का प्रेशर है बतौर किड्स. आपके वो काम आपके पेरेंट्स करते थे. सो एज ए किड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दोनों चीज़ों में जो भी आप स्पोर्ट्स लेते हैं नॉट नेसेसरली क्रिकेट जो भी स्पोर्ट्स चुनते हैं या जो भी फील्ड चुनते हैं आप वो दोनों फील्ड में आप इक्वली इंपॉर्टेंस दे के आगे बढ़ सकते हैं. वो ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं. हाँ ये ज़रूर होता है कि बच्चों पे स्ट्रेस आ सकता है लेकिन वहीं पे स्ट्रेस कम करने का काम टीचर का होता है और साथ में पेरेंट्स का होता है कि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें क्योंकि अगर प्रेशर डालेंगे तो वो बच्चे शायद टूट सकते हैं. सो लेट देम डू. कल भी जब मैं कोचिंग कर रहा था मैं एक लगभग 5 या 6 साल का बच्चा था और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. आप दोनों आए हुए थे आपने देखा होगा वो शायद इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे उनकी बातों से लग रहा था कि वो बच्चा क्रिकेट खेल जाएगा और जिस तरह से बैट पकड़ रहा था मुझे काफ़ी यकीन है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलेगा. अभी आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है. इट डिपेंड्स ऑन हिज एबिलिटी इज डिपेंड ऑन हिज माइंडसेट. लेकिन ये ज़रूरी है कि बतौर पेरेंट्स हम इन्वॉल्व रहे उनकी हर चीज़ में लेकिन प्रेशर ना डालें कि नहीं ये आपको करना ही करना है क्योंकि होना नहीं होना हमें नहीं मालूम. आज मैं और मेरा भाई बड़ौदा के छोटे शहर से इंडिया को रिप्रेजेंट कर गए लेकिन अगर हम नहीं कर पाते अगर हमारे पे ज़्यादा प्रेशर होता और हम शायद वो प्रेशर झेलने की सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर पाते तो फिर मुश्किल होता. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम अंडर 14 अंडर 16 में अच्छा परफॉर्म करके बड़ौदा की 11 की 11 में से बाहर बैठे हुए. अब वो जो वक्त रहता है वो बहुत प्रेशर वाला वक्त रहता है. उसमें आप किस तरह से हैंडल करते हो एज ए फैमिली आप किस तरह से मैनेज करते हो आपके कोच किस तरह से मैनेज करते हैं तो वो जर्नी है और ये बहुत बड़ी जर्नी है. वो एक दिन में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन बतौर किड्स आप अगर दो चीज़ें करते हैं और उसमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ज़रूर. और मेरी एडवाइस एकेडमी में यही रहती है
कि मेरा जो आपका जो बच्चा यहाँ पे आया है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ वो इंडिया खेलेगा, कोई नहीं दे सकता कि वो आईपीएल खेलेगा, कोई नहीं दे सकता, अगर वो देता है तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि वो आके यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा। मैंने गुजराती में पढ़ाई की है, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से कर पाता हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेला हूँ, मैं क्रिकेट खेला हूँ, क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुल्क ने मुझे बड़ा दिया है, मुल्क के लोगों ने बड़ा प्यार किया है, लेकिन ये जो गेम ने मुझे दिया है, शायद मैं सिर्फ एक चीज़ करता तो मुझे नहीं मिलता, जो कॉन्फिडेंस है, जो मैं आपके कोई भी सवाल के जवाब अभी दे सकता हूँ। ये मैंने पढ़ाई तो सिर्फ 10 तक की है, मैं ही नहीं बोलता हूँ पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई करिए ज़रूर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं मिस करता हूँ, आज मैं लुक बैक करता हूँ तो मैं शायद, मुझे अगर मैं मेरे बच्चे को देखता हूँ आईबी बोर्ड में पढ़ाई करता है, मुझे लगता है कि काश मुझे वो एक्सपोजर मिलता था, बिकॉज दे बिकम वेरी स्मार्ट। क्योंकि आपकी वो दोनों चीज़ें अगर ठीक से चलती रहे तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। सो बच्चे मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उन्हें उस तरीके का प्लेटफॉर्म दें बतौर पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो चीज़ें यू कैन मैनेज, और हर कोई खेल नहीं सकता है, लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, फुटबॉल टीम एक्टिविटी आप करते हैं, क्रिकेट टीम एक्टिविटी आप करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, आप बतौर टीममेट कैसे बिहेव करते हैं, आप फेलियर को किस तरह से मैनेज करते हैं, आपकी इंजरी को किस तरह से आप ओवरकम करते हैं, आप जब रनिंग करते हैं तो आपकी फिटनेस बेहतर होती है, फिटनेस बेहतर होती है तो आपका माइंड बेहतर होगा, माइंड बेहतर होगा पढ़ाई में फ़ायदा होगा। सो ओवरऑल इट्स ऑल कनेक्टेड। सर सर क्रिकेट या फिर कबड्डी अगर देखा जाए तो टीम भी बनाई जा रही है और उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बाकी अगर उनके कंपेयर स्पोर्ट्स अगर बात किए जाए तो उतने ग्लोरीफाई नहीं है, फिर बच्चे भी उन्हीं में जाना चाहते हैं, तो बाकी स्पोर्ट्स के बारे में आप कैसे? आई थिंक अपने मुल्क में चीज़ें बदल रही है, अपने मुल्क में अब फुटबॉल को भी प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिस तरह से लीग्स आ रही है, स्कूल के बच्चे भी काफ़ी फुटबॉल खेलते हैं और बहुत सारी टूर्नामेंट्स होती है, इवन हमारे बड़ौदा शहर में भी काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं जहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आप ग्लोरीफाई की बात ये जो है कि अगर आपके पास हीरोज़ रहते हैं, अगर आपने मुल्क के लिए कुछ अचीव किया है, मुल्क के नाम पर इंडिया ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट में, अगर वैसा ही कुछ अगर दूसरे स्पोर्ट्स में होगा तो क्यों नहीं हीरो बनेंगे, क्यों नहीं लोग फॉलो करेंगे। तो बाकी स्पोर्ट्स को भी अपना स्तर बेहतर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, मिल रही है और मिलेगी आगे जाके। और मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं भारत को, मेरे मुल्क को एक स्पोर्टिंग नेशन की तरह आगे जाते हुए देखना चाहता हूँ, जिसकी मुझे लगता है तैयारी हो चुकी है और वो होगा। आप बहुत मुश्किल है स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं, अगर आप सोफे पे बैठेंगे तो भी आपको इंजरी होगी, आप अगर सोफे पे बैठे रहेंगे टीवी देखते रहेंगे तो आपको बैक की इंजरी होगी, तो वहाँ पे भी आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। आप फोन पे बहुत ज़्यादा रहेंगे तो आपको नेक की C6 C7 की इंजरी होगी। तो स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देता है बॉडी पे, सो मच प्रेशर, आपको बॉल लग सकती है, आपका हैमस्ट्रिंग पुल हो सकता है, आपको स्ट्रेस इंजरी हो सकती है जो मुझे हुई है बहुत साल, तो आपको इंजरी से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसके लिए अच्छी फिटनेस कर सकते हैं। साथ ही में एक चीज़ जिस पे हम अब धीरे धीरे तवज्जो दे रहे हैं, हमारे वक्त में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, विटामिन D3 उसका टेस्ट बराबर, B12 जो भी विटामिन डिफिशियंसी है बॉडी में उसका लगातार रेगुलर चेक करते रहें, अपार्ट फ्रॉम आपकी जो एक्चुअल फिटनेस एंड रिकवरी। सिर्फ फिटनेस करना ज़रूरी नहीं है, रिकवरी करना भी ज़रूरी है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपको वो फैसिलिटेट करता है कि आपको कम से कम इंजरीज हो। सर आपने कहा एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई फैशनेट हो जाता है तो पोस्ट एजुकेशन उनके रह जाते हैं किस स्पोर्ट के लिए? नहीं, आपका सवाल मैं समझा नहीं। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है ना स्पोर्ट के साथ, तो मोस्ट ऑफ प्लेयर अगर किसी चीज़ के लिए फैशनेट हो जाते तो उनका एजुकेशन रह जाता है आफ्टर 10-12, तो फुल फैशनेट स्पोर्ट के लिए ले जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब आप 12 तक आप पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गए, आपने इंडिया खेल लिया, आपने रिप्रेजेंट कर लिया, तो आपके लिए फिर वो पढ़ाई करना वो थोड़ा सा आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस यही करूँगा कि जितना आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इवन दो अगर आप वो उस वक्त, मतलब अगर 12 स्टैंडर्ड में अगर लड़का पढ़ रहा है और वो उसके बाद कॉलेज जाने वाला है, सो 12 मतलब वो 17-18 साल का हो चुका है, 17 अराउंड 17, वहाँ तक आपको स्पोर्ट्स में आइडिया आ जाता है कि आप कितना कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो वही टाइम रहता है पीक करने का उसके बाद। सो वहाँ से डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन अगर सपोज़ आपकी डिसीजन मेकिंग हो भी गई है कि आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, उसके बावजूद अगर आप पढ़ाई में तवज्जो देंगे तो
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो करियर रहता है वो रहता है करीबन 35 तक आप पीक कर सकते हैं, उसके बाद आपने जो 40 साल की बात की वो आपके फिटनेस पे रहता है कि आपकी फ़िटनेस कैसी है, आप कितना आगे जा सकते हैं। सो आपके पास करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पास 10 से 15 साल है, उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद जो असली चीज़ है वो काम आती है, अगर आपकी पढ़ाई की बेस आपके पास है तो अगर आप दोनों कर सकते हैं बहुत बेहतर है। सी मेरा ये मानना नहीं है, मेरा ओनली इशू आपको ये देखना है कि आप मैनेज किस तरह से कर पाते हैं। सर जैसा कि उसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, मैं खैर उसमें डिटेल में स्टार स्पोर्ट्स में बैठ के ज़रूर ज़्यादा बात करूँगा और हम करते भी हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है उसमें हम बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हमारा कल्चर साथ में रहने वाला कल्चर है। सी हमारा कल्चर जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, जो इंग्लिश कल्चर है, उससे हम लोग बहुत अलग हैं, है ना? वी आर डिफरेंट, वी आर वेरी इमोशनल पीपल, वी आर वेरी कनेक्टेड पीपल। वहाँ पे जो इमोशन रहते हैं वो बहुत प्रोफेशनल के हिसाब से चलते हैं। हम भी प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं हम प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इमोशन हमारे काम आते हैं। आज हमारा अगर हम बॉल लेके भागते हैं सो हम क्यों, हमारे जो फैंस उन्हें ट्वेल्थ मैन बोलते हैं, वो जो आवाज़ होता है, कभी देखा आपने कोई भारतीय फैंस के अलावा कोई और जो फैंस है वो इतना ज़्यादा शोर करते हैं जितना हम करते हैं? वो जो इमोशन है वो हमें ताकत देता है और हम उसे फीड करते हैं, हम उसे लेते हैं बहुत पॉजिटिव तरीके से, हम वैसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आगे जाके ये चीज़ें बदले, क्योंकि वक्त बदलता है तो हम भी बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, फैसिलिटीज़ बदलती हैं। आप जिस तरह से आपके हाथ में फ़ोन से पहले नहीं थे, अब चीज़ें बदल रही है, अब सबके हाथ में फ़ोन है, वो भी बड़े ज़बरदस्त कैमरे वाले हैं, तो आने वाले वक्त में शायद ये हो सकता है, लेकिन अभी जहाँ पे हम खड़े मुझे नहीं लगता वो सही डायरेक्शन है, लेकिन शायद ये होगा जो आपने सवाल पूछा। इंजुरीज का मेरी सोच है कि अगर आपके पास एक ही लीडर है, एक ही कोचिंग स्टाफ है, उसके साथ आप प्लेयर्स बना दीजिए ताकि आप काम करते रहे, मतलब असिस्टेंट कोच के साथ भी एक और कोच रख लीजिए, जो ऑफ सीजन में जो लड़के दूसरा फॉरवर्ड नहीं खेल रहे उनके साथ लगातार काम करें। और एनसीए, मुझे लगता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी बहुत अच्छा काम करती है, उनके कोचेज से मेरा रابطہ भी रहता है, मैं वहाँ पे एक कोर्स भी किया था अभी, एंड आई थिंक दे आर वेरी इन्वॉल्व, बहुत इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वो चेन लगातार बनती रहे, जो कोचेज इंटरनेशनल कोचेज हैं अभी और जो एनसीए में हेड हैं, राहुल द्रविड़, वी एस लक्ष्मण, और जो बाकी जो कोच है, अपूर्वा देसाई, राजीव दत्ता, और ये जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, उनकी अगर एक लाइन पे बढ़िया तरीके से चेंज बनती रहे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चॉपिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक दो चीज़ें बेहतर करो और हमारा क्रिकेट और आगे होगा। हमने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया लास्ट के कई सालों में, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेमीफाइनल खेलना भी एक अच्छी अच्छी बात है। So, how has been the journey? I taken that word all-rounder very seriously. Bahut seriously liya hai. Look, it's a good answer. it's important, you know, first of all, being very comfortable with different stages of your life. You know, I know that I'm not 20 anymore. I have a different stage in my life where I'm a father as well. I have to look after my family, I have to look after my kids, and I can say my wife will agree with me that I'm a very invested father. But apart from that, you know, on a professional front, I love talking about cricket because, you know, that's what I've learned. I haven't learned anything else. You know, cricket is what I know. So being a commentator, I love that. I go as much as excited, as much as I used to play. When I go to commentary box and when I have mic in my hand and when the live match is going on and I have to call it, I love that. You know, I find it a privilege and lucky to be able to do something which I love. I have my academies. I love spending time with kids genuinely. And when I'm not there in my academy, I make sure that I tell my manager, which is standing there, is an MD of my academy, Harmeet, that keeps sending me videos of the kids. You know, if someone is exciting cricketer or something needs to be done online, you know, I love to do that. I do that as well. Yes, I done a movie, which was quite a success as well. And not Hindi, it was Tamil movie. वो सारा हमारा ही, हमारे मुल्क का ही है, सो यू नो वी सेग्रीगेट वो साउथ और वो हिंदी, बट यू नो इट्स आर तमिल रीजनल मूवी, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, दैट मूवी डिड वेल,
And what else? Did I miss anything? Harmeet, what else we do? I'm not looking for anything. I said that very, very clearly to some of the guys. One of the manager came to me and said, you know, you're doing this movie and we heard really good stuff about you, and you know, you need to have a good manager to, you know, talk about you to different producers and directors about the movie. I said, no, I'm not going to look for it. I'm very happy with my game. I'm very happy with my cricket. That's my first love. That's my last love. Anything else comes in between, I'll take it. Sir, bowlers कोई कंधे का ज़्यादा injury आपने बोला था, तो वो ज़्यादा क्यों होता है? Not necessarily shoulder का. बहुत सारी चीज़ें रहती है. Alignment रहता है. आपका alignment कैसा है? Alignment पे depend रहता है. Body का shape कैसा है? क्योंकि किसी का front मजबूत होता है, किसी का back इतना मजबूत नहीं होता. बहुत ज़्यादा लोग front पे जोर देते हैं, तो बैक इतना इशू रहता है, तो अलाइनमेंट चेंज होता है बॉडी का भी, और साथ ही में टेक्निकली अलाइनमेंट रहता है, सो वो उससे दिक्कत हो सकती है. सो वो डिपेंड करता है कि इंजरीज कब क्या हो रही है. कभी आपने डाइव लगाई, आपको शोल्डर की इंजरी हो गई, सो कब क्या होने वाला है आपको मालूम नहीं है. बट ये कि आप, जैसे मैंने पहले कहा कि फिटनेस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. अगर कोई चीज़ में दिक्कत है, जैसे शोल्डर में किसी को दिक्कत है, तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं कि दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हो सकता है पीछे से स्टार्ट हो रही है. सो वो प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर फिजियो वाली टीम, प्रॉपर ट्रेनर वाली टीम अगर आपके पास है, तो फिर आपके लिए इंजरी को संभालने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है. सर, एज यू मेंशन बिफोर, आपका एक पुराना रिश्ता है, तो क्या आप आगे देख रहे हो कि उन्हें कोई एकेडमी वगैरह खोलो, गाइस पुणे इज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स, क्या कहते सर, खोल ले? बिल्कुल, खुली हुई है एकेडमी, ऑलरेडी है, ऑलरेडी एकेडमी खुली हुई है. कल ही मैं एक सेशन करके आया हूँ. हमारे आपके दो साथी कल आए हुए थे, तीन घंटे मैंने क्या किया वहाँ पे, सो ही विल, बोथ ऑफ देम विल एक्सप्लेन. बहुत मज़ा आया कल मुझे, और काफ़ी यंग बच्चे भी थे, लगभग कम से कम ये जो छोटा बच्चा खड़ा है ना, आई थिंक इज़ अबाउट 6-7 ईयर्स ओल्ड. हाउ ओल्ड इज़ ही? या एग्जैक्टली. सो इतनी उम्र के 5-7 उम्र के बच्चे भी, कम से कम 12 बच्चे थे वहाँ पे कल, एंड देन बाकी अंडर 19 वगैरह के बच्चे भी. डॉक्टर अर्जुन से लास्ट वन क्वेश्चन. यस. नाउ आफ्टर 2 इयर्स दिस एल्ट्रो स्पोर्ट्स फेस्ट इज बैक इन द फिजिकल फॉर्मेट. तो आज लास्ट डे है, हाउ हैज बीन द एंटायर लास्ट 10 डेज अगर आप बता सकते हो? Feel full of energy and very energizing, both, you know, like it's been you know, a great time for students. Do saal wo bhi ghar pe the, बहुत कुछ करने का मन था, कर नहीं पा रहे थे. सो नाउ दे वर बैक इन टू देयर फील्ड्स एंड देयर स्पॉट्स एंड ऑल, दे रियली एंजॉयड देमसेल्व्स. लाइक यू जस्ट हैड टू बी देयर टू अंडरस्टैंड कि कितने खुश थे वो लोग, कितने एनर्जी से यू नो भर के वो लोग एकदम खेल रहे थे. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैज़ हैपेंड, एंड आई होप दैट यू नो दिस कंटिन्यूज ऑफ कोर्स. एंड स्पोर्ट्स फेस्ट, जैसे मैं इरफान आपसे भी बोल रही थी, इट्स नॉट दैट यू नो स्पोर्ट्स डोंट हैपन इन स्कूल अदरवाइज, बट दीज 10 डेज मॉर्निंग टिल इवनिंग इट्स ओनली स्पोर्ट्स. Fantastic. There are 50 students into the chess area arena. There are another 50 into carom. Then all fields, in fact, and all kind of sports. So what could be kind of more rewarding? बहुत अच्छा लगा, and बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा. So teachers are not allowed to talk about study on those 10 days. They have no choice. They all into the fields, and they're just you know managing children there. So सभी के लिए it's just kind of people breathing, eating sports, you know. So that is how it goes. Teachers, we didn't kind of like participate when the students were there, but we had some friendly matches for them, and we had friendly matches for parents also. Yesterday we had the campus full of parents and they were playing, so it was like I was saying, we just breathing, eating sports, you know, like. School is necessary, sir. School is necessary, sir. Sport is necessary. So, how do you keep that balance? Now, देखिए, मैंने जैसे पहले stages की बात की, so जब आप छोटे होते हो, जब आपके पास ना तो काम करने का प्रेशर है, ना तो पैसे कमाने का प्रेशर है, व्हेन यू आर यंग किड, राइट, जो आप जो बेसिकली आपके पेरेंट्स करते हैं, राइट, तो वो संभालते हैं, तो आपके पास बहुत सारे आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं कि आप फ़ोन्स लेके बैठ जाते हैं, आपके पास आईपैड है, हमारे बच्चे भी करते हैं, लेकिन अगर बतौर पेरेंट्स आप उसमें टाइमिंग अगर डाल दीजिए तो वो कम हो जाएगा, और साथ ही में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे ही पढ़ाई का प्रेशर बहुत रहता है. सो आप मैनेज करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बतौर किड्स और कुछ नहीं करना है, बट वो जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जब बच्चा चुनता है, उसको खुद चुनना है, उसके अंदर से आना चाहिए. अगर पेरेंट्स फोर्स करके उसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाएंगे, क्योंकि आपने चाह के ना चाह के बच्चे को पढ़ाई तो करवाई है, क्योंकि वो करना पड़ता है. बच्चा कोई उठ के पैदा होकर नहीं बोलता मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है.
ही डजंट नो, बट एज पेरेंट्स वी नो कि पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे तो देर इज़ नो गेट अवे. सो जहाँ उसे ऑलरेडी फोर्स कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, इमेजिन करिए पूरा दिन जब वो जागता है 8-10 घंटे की नींद के बाद, दूसरी चीज़ भी शाम को भी हम सिर्फ उसे फोर्स करवा के स्पोर्ट्स दिलवा रहे हैं. सो बच्चा इंजॉय नहीं करेगा. सो बैलेंस स्टार्ट होता है कि सबसे पहले वो कौन सी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी लेना चाहता है, और आप जितना उसको एक्सपोजर देंगे, जैसे अगर आप पेरेंट्स हैं, मैंने मेरे बच्चे को ये नहीं बोला, वो अभी 6 साल का होने वाला है, कि आप बैटिंग करो बॉलिंग करो. मुझे वो देखता था घर के अंदर, मैं कई बार जानबूझ के उसके सामने बैटिंग करता था. सो ही यूज्ड टू कम, मुझे भी खेलना है. सो ही पिक्ड इट अप बाय हिमसेल्फ. मैंने उसे फोर्स नहीं किया. आई प्लेड फॉर इंडिया. आई विश माई सन प्लेड फॉर इंडिया. अगर वो सोच के साथ मैं उसे नहीं नहीं बैट पकड़, वो इन्जॉय नहीं करेगा. सो लेट देम जस्ट गिव देम एवरीथिंग. बी देयर, गिव हिम फुटबॉल और गिव हर फुटबॉल और गिव हर क्रिकेट बैट और गिव हिम क्रिकेट बॉल इन फ्रंट ऑफ हिम और हर. डू एक्टिविटीज, लेट देम चूज, एंड वंस दे चूज दे विल इन्जॉय इट लॉट मोर, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉपर बैलेंस रादर देन यू टेलिंग देम. Fair enough. Last two questions, please, sir. Last two questions. आपने sporting nations nation के बारे में बात की है. तो cricket के लिहाज से अगर हम देखें तो north east के states और जम्मू कश्मीर के states थोड़े neglected लगते हैं. तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? ऐसा नहीं है. देखिए अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी टीमें आई हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि हम बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका जो क्रिकेट का स्तर है वो काफ़ी नीचे है. लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मैंने 2 साल काम किया है, वहाँ से वो 2 साल के टेन्योर में 3 लड़के IPL खेल गए और बाकी लड़के भी अब खेल रहे हैं. सो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से अब लड़के आ रहे हैं. तो वो काम तो वहाँ पर मैं गया था, मैंने एक बात बोली थी ज़रूर जम्मू कश्मीर में. पहले बार जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं गया भी नहीं, मैं बस पहुँचा ही था. मैंने कहा था कि हम मैं यहाँ पे आके बीज बोऊंगा, उसके फल जो है वो पेड़ उगेगा, उसके फल आने वाले सालों में बहुत लोग खाएंगे. वो हो रहा है. मेरे जाने के बाद भी अब वो टीम क्वालिफाई कर रही है, लड़के आ रहे हैं. ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरी वजह से वैसा हुआ है, लेकिन मेरे पास अच्छी टीम थी और लड़के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो लड़के हैं दे आर वेरी हंग्री एंड दे वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर फैमिली एंड फॉर कंट्री एज वेल. सो वैसे बच्चे हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करके थोड़ा प्रोत्साहन देंगे तो वो बहुत लड़के आएंगे. अभी अब आपके पास उमरान आया हुआ है, समद आगे जाके अच्छा क्रिकेट खेलेगा, राशिक खेला मुंबई इंडियंस के लिए, और भी 2-3 अच्छे लड़के हैं. एक शुभम खजूरिया करके लड़का है, बहुत सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, ही इज़ वेरी गुड. और भी बहुत सारे नाम हैं जो अच्छे लड़के हैं वहाँ से जो खेलते हैं. सो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और इवन नॉर्थ ईस्ट की टीमों के लिए क्रिकेट में चीज़ें और बेहतर होगी. वक्त लगेगा नॉर्थ ईस्ट को खास करके, क्योंकि वो लेवल पे वो लोग क्रिकेट अभी तक खेले नहीं थे. सडनली ये लेवल पे आना और आपका ये एक्सपेक्ट करना कि वहाँ से सडनली कोई प्लेयर मिल जाए, इतना आसान है नहीं. पर वक्त लगेगा, थोड़ा सबर करना होगा. लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स एज अ करियर चूज करना और उसमें आगे बढ़ना, तो हर कोई इंडिया रिप्रेजेंट करेगा ऐसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए बंदे ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होता है, या फिर अगर सब लोग खेल भी गया था, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है. उसके बाद जो है उसका सही करियर शुरू होता है, और वहीं हमारे देश में उसको निग्लेक्ट किया जाता है. तो अगर आपके जैसा लेजेंडरी प्लेयर इस बात को एंडोर्स करता है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ उस बारे में विचार करे और इनको करियर वाइज कुछ अच्छा देने की कोशिश करे. आपने एक बात बोली कि हमारा देश निग्लेक्ट करता है, ऐसा नहीं है. अब चीज़ें बदल गई है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, कॉर्पोरेट्स लेवल पर हो रही है, मुल्क के लेवल पर हो रही है. और अगर आप देखेंगे फुटबॉल की, पहले सिर्फ एक टीम हुआ करती थी, हम कोशिश करते थे, लेकिन अब लीग भी हो रही है. देयर इज़ अ लीग फॉर फुटबॉल. टेनिस की लीग जा रही है अलग अलग. हमारे पुणे में एक दोस्त थे जो टेनिस की टीम ओनर करते हैं, वो ओनर है वो, यस. सो वो अपने लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं. तो वैसे ही बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. CSR एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती है. वैसे ही कई कॉर्पोरेट से वो आते हैं, वो जाहिर सी बात है बिज़नेस भी होता है, लेकिन साथ ही में बाकी कई बच्चों को फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अलग अलग लीग की होने की वजह से. आपने कबड्डी की बात की, कबड्डी की लीग बहुत बड़ी बन गई है, किसने सोचा था. क्रिकेट की बात अगर कोई सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है कहीं पर, तो वो कबड्डी में आपको देखने को मिलती है. सो देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग. यस, मैं जानता हूँ जो हमारे मुल्क में पोटेंशियल है as far as people are concerned, वो potential
को रीच होने में अभी वक्त है, लेकिन उसकी तैयारी हो चुकी है, इस बात का मुझे सुकून है। सर, एवरेज स्पोर्ट्स पर्सन करियर वाइज, उसने खाना कमाना परिवार चलाना भी है, उसके लिए एनकरेजमेंट कम है, इसके बारे में वही मैंने बताया कि अभी वो एनकरेजमेंट शुरू हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसे हर एक इंसान, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया था, और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमने आर्मी के जवानों के बच्चों के लिए हमने लगभग 2 साल तक स्कॉलरशिप दी थी, हम स्पॉन्सर भी लेके आए थे, 17 बच्चे थे, 2 साल हमारी दिल्ली की नोएडा अकेडमी में उन्होंने प्रैक्टिस की थी, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। और ये एक छोटी सी बात है, ऐसे ही हमारे जैसे कई और क्रिकेटर हैं, हमारे जैसे कई और हमसे बेहतर कॉर्पोरेट्स हैं जो ये काम करते हैं, जो आपको लगता है कि अगर ये लड़के में दम है तो उसे बैक करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। सो अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर लड़के में दम नहीं है और आप उम्मीद करते कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो उन्हें स्पॉन्सर करें, तो टैलेंट पर भी रहता है कि उसमें कितनी काबिलियतें हैं। और जो 19-20 बच्चे रह जाते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ है कि वो ज़ोर लगाने में उनको सीखने का बहुत कुछ मिलता है जो कहीं ना कहीं काम आता है। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि आप अगर पसीना, मेहनत करके अपना पसीना बहाओगे और ज़मीन में जाएगा, वो ज़मीन या तो ये कुदरत आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वापस देगी, और देती है, और देती है। और मेरा ये मानना है, मैंने कई ऐसे क्रिकेटर्स को देखा जो मेरे साथ क्रिकेट खेले, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन आज क्योंकि क्रिकेट इतना बढ़ गया है, कहीं ना कहीं वो सेट है, या तो कोई कोचिंग कर रहा है, या तो किसी ने ट्रेनिंग का कोर्स कर लिया है। भैया आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, अगर वो जो आज कई क्रिकेटर ट्रेनर बन के बैठे हुए, उन्होंने कोर्स किया है, 2-3 साल इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो सोच लेते यार मुझे क्रिकेट में कुछ नहीं मिला, मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी ना कामयाबी मिलती, नहीं मिलती। लेकिन आज वो ट्रेनर बन के बैठे हैं, तो वो बेस कहाँ से आया, क्रिकेट से आया, क्रिकेट में इतनी मेहनत की थी, वो फेलियर को बार बार चखा था, टेस्ट किया था कि फेलियर है, अब वो फेलियर को तब्दील किया किसी और चीज़ में, क्रिकेटर नहीं बने, कोच नहीं बने, ट्रेनर बन गए कोर्स करने के बाद, जाहिर सी बात है सर्टिफाइड कोर्स करने के बाद। सो आप पे भी दम रहता है कि आप में कितना दम है, आपकी कितनी सोच है, सिर्फ आप ये सोचते रहेंगे हमें सपोर्ट नहीं किया तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। आज बहुत सारे लोग, मैं सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें सुनता हूँ कि भाई इसकी वजह से इरफान का करियर ख़त्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैं उस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिला, लेकिन अगर वो चीज़ को लेके मैं बैठता ना तो मैं कमेंट्री करता, ना तो मैं क्रिकेट के कोर्सेज करता जो मैं कोचिंग के कोर्सेज करता हूँ, ना तो मैं एकेडमी चलाता, मैं सिर्फ बैठ के रोता रहता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, आपको आगे बढ़ना है, आपको अलग अलग स्टेज में आगे जाना है। थैंक यू सो मच, आपका प्यार। बहुत सारी मेहनत, जैसे कि अभी भी आपने बताया तो मेहनत करनी पड़ती है तो जाके फल मिलता है, तो जाके कुदरत साथ देता है। मगर जो टेक्नोलॉजी आई है, जैसे आपने बताया हमारे हाथ में मोबाइल है, बच्चों को मोबाइल पे ज़्यादा भरोसा है मेहनत की बजाय। जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो इस पर देखते, यूट्यूब पर देखते, इधर उधर देखते, वो बच्चे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और अगर कुछ निगेटिव होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है और सोचता है मैं दूसरा करूँ, मगर वो उस कॉन्फिडेंस में नहीं रहता है जो आगे जाके वो सोचता नहीं। जैसे आप बोलते हैं 100 बार फेल्यूर आएगा मगर एक बार तो आएगा, वो पेशेंस नहीं रहे आजकल के बच्चे, मतलब माइंड गेम आगे चल के ये बन जाता है। तो कैसे आप बोलेंगे बच्चों को कि आप मेहनत पे ज़्यादा ये कीजिए, भरोसा कीजिए और टेक्नोलॉजी पे भरोसा कीजिए? देखिए, टेक्नोलॉजी आप बच्चों से दूर नहीं रह सकते, नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट रियलिटी। हमको ये रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, जो हमारी जनरेशन है, जो हम जब हम ऐसी जनरेशन से आते हैं जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी, हमें मोबाइल क्या है नहीं पता था। मैंने पहला मोबाइल लिया, मेरे हाथ में वो छोटा सा मोबाइल आया, वो आया था 2004 इंडिया खेलने के बाद, तब मेरे पास पहला मोबाइल आया, उससे पहले नहीं था। हमारे घर में एक फ़ोन होता था, उसका नंबर मुझे याद है, वो नंबर याद भी रहते थे ना पहले मेरे घर का नंबर जो लेकिन उससे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो बफरिंग होता रहता था इंटरनेट में। आज अगर बफर होता है तो बच्चा वो पेज से हट जाता है, पेशेंस कम हो गया। राइट, आपका जो सवाल है, देखिए पेशेंस ऐसी चीज़ है वो हर किसी में होता नहीं है, लेकिन वक्त और एक्सपीरियंस सिखाता है, वो सिखाता है।
बट वो टाइम पे वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो बच्चों में उतना सब्र होना बड़ा ज़रूरी है. इसीलिए वो सपोर्ट सिस्टम की मैं बार बार बात करता हूँ. सपोर्ट सिस्टम कौन है? पेरेंट्स है. सपोर्ट सिस्टम कौन है? टीचर्स हैं. सपोर्ट सिस्टम कौन है? कोचेज है. दिस इज़ द सपोर्ट सिस्टम. वी नीड टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम. एज हम तो अभी सीनियर कैटेगरी में आ गए ना भाई, 40 के आसपास पहुँचे, मतलब सीनियर कैटेगरी में आ गए. सो जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है और हमें ध्यान रखना है कि हम वो नज़रअंदाज ना करें. जैसे हम पर्सनली क्या करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, हमारे बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं, स्पेशली बड़े वाला, छोटे वाला तो अभी बहुत छोटा है. सो वो स्क्रीन टाइम उनका रहता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि ये स्क्रीन टाइम हो गया है, सो हम काम करके आते हैं, हम बतौर पेरेंट्स थके हुए रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा पुश करते हैं अपने आप को, लेट हिम टेक हिम, लेट हिम गो टू द ग्राउंड. तो अब वो उसको भेजेंगे या खुद जाएंगे तो वो आएगा साथ में, हमको लेके जाना पड़ेगा ना, तो हमको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो स्क्रीन टाइम जब हम बच्चों की बात करते हैं, हम भी तो स्क्रीन पे बैठे रहते हैं ना. सो हमको भी वो चीज़, क्योंकि बच्चों को आप जो बोलेंगे ना उससे नहीं सीखते, वो उससे कम सीखते हैं, जो हम करते उससे सीखते हैं. एंड दैट इज़ रियलिटी. दैट इज़ रियलिटी. क्या अगर मैं मेरी वालिदा से, मेरे वालिद से किस तरह से बात करता हूँ, वो मेरा बच्चा देख के सीखेगा. अगर मैं मेरी वालिदा के सर को जाके चूमता हूँ, सुबह जाके उनको सलाम करता हूँ, जैसे आप लोग पैर पड़ते हैं, सुबह जाके आशीर्वाद लेते हैं, तो वो बच्चा देख के सीखेगा, बजाय कि मैं मेरे बच्चे को बोलूँ जाओ मम्मी के हाथ चूमो, मम्मी के पैर चूमो, मम्मी को सलाम करो. उससे वो नहीं सीखेगा. मैं क्या करता हूँ, मेरी वाइफ क्या करती है, उससे देख के सीखते. सो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों में पेशेंस कैसे डालें, फेलियर को फेस करने का और उसे सीखने का वो जो जज्बा है वो कैसे डालें, वो हमसे शुरू होता है, हमारी जिम्मेदारी. क्योंकि बच्चों को नहीं पता, वो स्पंज की तरह है, छोटी उम्र में सूखते हैं देख के सारा. सो आई थिंक हम अगर बेटर हो जाएंगे स्क्रीन टाइम वो सब में, हमारे बच्चे भी बेटर होंगे. Okay guys, thank you so much.